विद्यार्थी मित्रों, अब हम जरा मुस्कुराइए इस चुटकुले के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, सामायिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने किसी सामायिक अखबार या कोई बुक में आपने कोई चुटकुले यानी जॉक्स तो सुने ही होंगे। तो कोई भी 3 जॉक्स जो अच्छे हो, जो हम दूसरों को सुना सकते हैं और सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे 3 चुटकुले आपको आपकी नोटबुक में इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें से मुहावरे ढूंढेंगे, बाद में उसका अर्थ देंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो चलो पहले हम इस परिच्छेद को पढ़ते हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है। तो यहाँ पे आँखों का तारा होना वो मुहावरा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की, तो कमर कसना वो भी एक मुहावरा है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो यहाँ पे ईद का चांद होना वो भी एक मुहावरा है। महेश आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप निकलना वो भी एक मुहावरा है। और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था, तो नज़र चुराना वो भी एक मुहावरा है। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए, तो आग बबूला होना वो भी एक मुहावरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो भी मुहावरे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और उसके नीचे उसका वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण देकर समझा रही हूँ। पहला है मुहावरा कि आँखों का तारा, तो पहले हम उसका अर्थ लिखेंगे। आँखों का तारा होना तो उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अब उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मीना उसके पापा की आँखों का तारा थी, ये हुआ वाक्य में प्रयोग। दूसरा मुहावरा है कि कमर कसना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमर कसना। आपको ये परिच्छेद नहीं लिखना है, उसमें से सिर्फ मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग ही लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे कमर कसना। कमर कसना यानी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। तो हम वाक्य बनाएंगे, रमेश ने परीक्षा देने के लिए कमर कसी। उसके बाद तीसरा मुहावरा है ईद का चांद हो जाना, यानी बहुत दिनों के बाद दिखना या मिलना, तो उसे हम कहेंगे ईद का चांद हो जाना। तो मेरा एक मित्र रमेश ईद का चांद हो गया, तो ये हुआ वाक्य। उसके बाद है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना यानी कपटी होना, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना, तो इस मुहावरे का अर्थ है, पहले आपको लिखना है आस्तीन का सांप होना, फिर उसका अर्थ लिखना है मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो उसका हम वाक्य बनाएंगे कि यहाँ पे महेश का दोस्त आस्तीन का सांप निकला। उसके बाद का मुहावरा है नज़र चुराना। नज़र चुराना यानी आँख न मिलाना, छुप जाना। तो अध्यापक से नज़र चुराकर एक विद्यार्थी कॉपी कर रहा था। अब उससे आगे का मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्से होना। तो यहाँ पे हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि घर पे रीना को न देखकर उसकी मम्मी बहुत ही आग बबूला हो गई। तो ऐसे आप खुद से अपने वाक्य बनाकर भी लिख सकते हो
लेकिन आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप मुहावरे लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे और फिर वाक्य में कब प्रयोग करेंगे। उसके बाद है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो उसका लिंग बदलेंगे, जो जहाँ पे अंडरलाइन की है दादाजी, तो उससे हो जाएगा दादाजी का लिंग बदलकर हम उसे बनाएंगे दादी जी। तो मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, उसका होगा मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा, आदमी की जगह होगा औरत, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, तो उसका होगा लेखिका कहानी लिख रही है। चार, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, यहाँ पे मालकिन की जगह होगा मालिक। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। विद्यार्थी मित्रों याद रहे कि पूरा वाक्य चेंज हो रहा है, अकेला मालिक की जगह मालकिन ऐसा नहीं आ रहा है। मेरी मालकिन, उसकी जगह होगा मेरे मालकिन, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सात, सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। उसके बाद है उदाहरण के अनुसार शब्द का चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी एक ही शब्द के चार अलग अलग वाक्य बना के हमें लिखने हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है घर, तो घर से चार वाक्य बनाए हैं। मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में तीन कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। वैसे ही नीचे बाघ, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी, पांच शब्द दिए गए हैं। तो हर एक शब्द का चार वाक्य बना के आपको लिखना है। जैसे बाघ, तो मेरे घर के पास एक बाघ है, मुझे बाघ में घूमना अच्छा लगता है, बाघ में कई तरह के फूल पौधे हैं, बाघ में मैं हर रोज़ जाता हूँ। तो ऐसे बाघ के ऊपर चार वाक्य बनाए। ऐसे ही आपको नदी, दोस्त और पसंद और कहानी, उससे एक एक शब्द के चार चार वाक्य बना के आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर पाँच, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे कुछ कहावतें दी गई है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, तो ये कहावतें हैं और उसका अर्थ क्या होता है वो इसका उदाहरण देकर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। आपको सिर्फ नोटबुक में इसका कहावत और उसका अर्थ जो जैसे अभी नोट टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे ही आपको कॉपी करके आपकी नोटबुक में लिखना है। तो पहला है अकल बड़ी या भैंस, तो आपको एक करके लिखना है अकल बड़ी या भैंस, फिर उसका अर्थ देकर दूसरी लाइन में लिखना है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा में अकल बड़ी होती है, यानी अकल बड़ी या भैंस। तो यह कहावत हम तभी इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई छोटा भी व्यक्ति अगर अच्छी बुद्धि से अच्छे काम करके बड़ों बड़ों को मात करता है तो हम कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, यानी भैंस से भी अकल बड़ी होती है। उसके बाद है आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। कोई लड़का या कोई व्यक्ति है उसके जीवन में एक से एक नई मुसीबत हर रोज़ आ रही है, एक काम ख़त्म नहीं हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, तो वो क्या कहेगा कि आसमान से मैं तो गिरा और खजूर में अटका, यानी एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो जब कोई एक के ऊपर एक काम आ रहे हो, एक के ऊपर एक विपत्ति आ रही है, तब हम इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम करने लग जाना, यानी आए थे हम हरिभजन को, तो क्या करने आए थे, हरिभजन करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, लेकिन
ओटन लगे कपास, ओटना यानी कि कपास को छिलने लगे, कपास को कपास की फूल में से उसकी रुई निकालने लगे, मतलब कि अर्थहीन काम ने काम करने लगे, बहुत व महत्वपूर्ण काम करने आए थे तो उसे छोड़कर अर्थहीन काम करने लग जाना, तब यह कहावत इस्तेमाल होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जो डिंग मारते हैं वो काम नहीं करते, तो ऐसी ही एक और कहावत है कि जो भौंकते कुत्ते हैं वो काटते नहीं है। जो हम बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो लोग, वो असल में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बोलता नहीं है वो बहुत कुछ कर कर दिखा सकता है। तो ऐसे जब कोई बहुत ही बड़े बड़े डिंग मारता हो, लेकिन जब उसको कहा जाए कि चल तब तू ये काम कर, तो वो नहीं कर सकता, तब हम कहते हैं कि गरजते हैं वो बरसते नहीं, तब हम इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, जो जैसा करता है उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अगर आप नीम का पेड़ बोओगे और उससे आप कहोगे कि मुझे मीठे फल यानी मुझे आंवला या आम मिले, तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने नीम का पेड़ बोया है। तो जैसी करनी वैसी बरनी, जो हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा, और हम बुरे कार्य करते हैं तो उसका फल भी, बुरा फल भी आज नहीं तो कल हमें मिलेगा। तो यह ऐसा समझाने के लिए हम यह कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपको अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख देना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।